कॉमरेड खिचड़ी भी है, पीसी भी है, उसके बाद में कॉमरेड राजा भी है, पी एन सी भी है, और अब्दुल्ला निकले यहाँ से कांग्रेस के जितने भी थे, अपनी बात सुनानी चाहिए। दोस्तों ये चौधरी जी है, जय चौधरी जी है, आज किसी के बेटे हैं, मिल चुका हूँ जान चुका हूँ, और किसी का नाम रहा है तो मैं उसे माफी चाहता हूँ। दोस्तों ये मीटिंग अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के पहले हो तो शायद मैं समझता कि देश की नींद जो है वो अलग है। बड़ी खुशी की हम लोग हैं प्रेसिडेंट के चुनाव जो है पहले ही हो जाए, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार जो है ऑपोजिशन पार्टी का पहले ही तय हो जाए, कई लोगों ने कोशिश। अगर वो कोशिश कामयाब होती तो शायद मेरे ख्याल से आज राष्ट्रपति जो है वो विरोधी पार्टियों का राष्ट्रपति होता, ये दावे के साथ कहना फिलहाल। कांग्रेस पार्टी ने मीटिंग बुलानी चाहिए, सबसे बड़ी विरोधी दल वही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे मीटिंग बुलाती होंगी यही एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा मैं मान करता हूँ। और इसलिए मैं शरद यादव जी से आग्रह करता हूँ, उन्होंने जो अपने हाथ में ली है आप उस जोर को छोड़िए। क्योंकि ये एक लड़ाई है जो पहले लड़ चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार। अगर इतिहास के अगर वो हम लोग देखते हैं तो उस समय 40 से 50 तक, ये 40 से 50 तक दो विचारधाराओं का टकराव हुआ था, आज की कोई होता अगर इन दो विचारों का टकराव के अगर मैं मोटी मोटी बातों में कहना शुरुआत करूं तो ये कहूंगा कि आरएसएस बीजेपी जो है वो बड़े हिंदू धर्म मानते हैं कि जिसकी बुनियाद बनवा मनुष्य इस देश में जितने भी नेता थे उनका ये विचार था कि जो संतों का हिंदू धर्म जो है वही संतों का हिंदू धर्म जो है संविधान का आधार होना चाहिए और उसी आधार को लेकर के संविधान बना। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 1946 की अगर आरएसएस के और हिंदू महासभा के उस वक्त के बयान को हम लोग ने दोबारा आज देखा तो वो कुछ नया नहीं कर रहे। मेरे किसी को वक्ता ने यह कहा कि सरकार आने के बाद जनता को हॉइस कर रही है, उसको सलामी दे रही, ये बात नहीं है। 2014 में पहली सरकार आई तो नागपुर के दो कार्यकर्ता ने सुबह 10 बजे जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज किया, ये कहा कि आरएसएस का जो रेशन बाग में जो ऑफिस है उसमें तिरंगा फहराया नहीं है, लफा लफा उस केस को वहां पर हो गया और आज जबरदस्ती आके ये कर रहे। ये भी अगर इतिहास को हम देखें 23 जुलाई 49 सरदार पटेल और आरएसएस में एक समझौता, उस समझौते की बुनियाद तीन बातों पर है, क्योंकि सभी को रिहा करना था, इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि अगर आपको रिहा करना है तो आपको शर्त मानी है और शर्त यह थी कि संविधान का दूसरी शर्त यह थी कि जो तिरंगा है आत्मा चक्र का इसको तीसरी बात क्या है यह थी कि आपके ऑफिस पर ये तिरंगा झंडा लहराया जाएगा हर साल। ये गवर्नमेंट ऑर्डर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने दिया कि मैं तारीख 23 जुलाई 1950 को जो है सरदार पटेल ने पता
क्योंकि एक बार जब दूसरी बार का समझौता जब होता है तो सरकार के आदेश, लेकिन सरदार पटेल ने उस वक्त जो है सरकार के आदेश निकाले थे और कहा था कि आरएसएस को हम लोग जो कार्यकर्ता उनको महात्मा गांधी हत्या के बाद उनको जो पकड़ा गया था उनको रिलीज हम लोग कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ये है किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतिहास द्वारा अपने आप में लड़ना और इस लड़ाई में अगर हम लोग को जीतना है, जिस चट्टान के चट्टान की तरह शरद यादव ने इस मनुवादी के साथ जाने से इनकार कर लिया है, उसी तरह हनुमानी चट्टान होना मैं जानता हूं कि सत्ता हासिल करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन यहां जो दुनिया है उस विचारधारा के साथ मैं किसी प्रकार की प्रधानता नहीं करूंगा। यह जो विषय शरद यादव ने कहा और पता है, मैं समझता हूं हम सब ने उनको सराहना करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और उनको सलाम करना चाहिए। शरद यादव से आगे आप लोगों का क्या मुझसे करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये व्यवस्था की लड़ाई है, ये व्यवस्था की लड़ाई है। इस व्यवस्था की लड़ाई में क्या हम लोग पब्लिक सेक्टर के साथ में है, क्या हम लोग वेलफेयर स्टेट के साथ में, ये तय करना होगा। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि इस प्राइवेट सेक्टर को सरकार कंट्रोल करे, न्यूनतम सरकार। दोनों चीजें एक न्याय में जा नहीं सकती। अगर हमको वेलफेयर स्टेट की संकल्पना को मान्य है तो हम लोगों को यह डिसाइड करना होगा कि कौन सा सेक्टर पब्लिक सेक्टर रहेगा और कौन सा सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर रहेगा। इसकी बुनियादी लड़ाई हम जब तक नहीं लड़ते तब तक मैं मानता हूं कि आरएसएस जैसे फोर्सेस है उनको हम लोग रोक नहीं सकते, हम इसको रोक नहीं सकते। हम यही तलवार अगर दो मैन में रखते चाहेंगे तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है और वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। और इसमें तीसरा जो दूसरा मुद्दा इसमें जो है कि धर्म का स्थान, किसी ने सदस्य की बात करी लेकिन मैं कहूंगा मैंने भारत को जो है दो हिस्सों में बांटा, इंडिया के नीचे और इंडिया के ऊपर। विद्या के नीचे जो है वो धर्म जो है वो अपनी खुद की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ करते हैं, धर्म को पब्लिक लाइफ में हम करते हैं। उत्तर भारत में विद्या के ऊपर का इलाका जो है यह विद्या के ऊपर के इलाके में धर्म को पब्लिक लाइफ में हम मानते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है उसे वो मानते हैं। और इसलिए धर्म के नाम से जो संकट आता है उत्तर भारत एक तरफ जाते हुए दिखाई देता है और दक्षिण भारत जो है वो दूसरी तरफ दिखाई देता है। इसलिए हमको ये तय करना होगा कि धर्म का स्थान क्या है। अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि धर्म ये मेरी खुद की एक पर्सनल लाइफ है, मैं किसको मानूं या किसको ना मानूं, तो मैं समझता हूं कि इस देश की आधी समस्या खत्म हुई, ऐसा नहीं आपके मान। मैं इस बात को इसलिए बोला रहा हूं कि आदिवासी की अपनी जिंदगी है, मानवीय की अपनी बात नहीं। आदिवासी जो है वो निसर्ग जो है उसको ही भगवान, उसमें कोई मूर्ति नहीं। हम लोग किसी एक मूर्ति को भगवान मानते, दोनों के सीने के अंदर। तो हमको सिर्फ कल्चर की हम जब बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि क्या हम लोग ये मानने के लिए तैयार है कि आदिवासी की जो जिंदगी है वो आदिवासियों की जिंदगी जो है वो निसर्ग के साथ है और हम लोग की जो
या हम उसको बात को मानने के लिए तैयार है। अगर हम मानने के लिए तैयार होते शायद और एक बात हम मान लिया, जो मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिश्चियन और मुस्लिम, दुनिया के जितने क्रिश्चियन है दुनिया में जितने मुसलमान है उनमें भी फर्क यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिश्चियन वर्ल्ड के पास है और जो तेल है वो मुस्लिम राष्ट्रों के पास, और इसलिए एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए तैयार, एक दूसरे पर कब्जा जो उनकी लड़ाई चल रही है। इस भारतीय व्यवस्था में भी जहां निवासी रहता है वो ये वो जगह खनिज मिनरल्स हो सोना हो लोहा हो कोई भी हो ये सभी इलाका जो है आदिवासी आदिवासी इलाके। क्या हम लोग उनकी बात समझने के लिए तैयार है? वो कहता है कि मैं आदमी के खिलाफ मट्टी बेचने के खिलाफ, ये जो मेरे यहां की मट्टी है इसमें सोना है लोहा है तांबा है पीतल है इसको ले जाके बाहर के देशों में बेच रहा है, इसमें वैल्यू एडेड नहीं हो रहा है। अगर वैल्यू एडेड होता तो यहाँ के देश के जो नौजवान है उसके हाथ में रोजगार, उसके हाथ में रोजगार होता। आज हम लोग जो है उसकी इस लड़ाई में हम लोग सहयोग दिया, सरकार की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के हम पीछे मैं समझता हूं कि हम लोग की बुनियाद जो है वो बुनियाद जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक मैं समझता हूं कि हम लोग आरएसएस बीजेपी के साथ लड़ नहीं सकते। मैं आखिरी आखिरी बात यहां पर रखना चाहूंगा, शरद यादव जी का गुजारिश करता हूं प्रेसिडेंट का चुनाव हम लोग लड़ते तो शायद ये जो मोदी इनविंसिबल जो बना हुआ है परिस्थिति को ऐसी 3-4 महीने के बाद गुजरात का इलेक्शन उस गुजरात के इलेक्शन के लिए भी आप किसी तरह की मीटिंग बुलाइए जो आए उनके साथ जो आए उनके साथ जो ना आए उनकी इंतजार करते हुए हम गुजरात की लड़ाई हम शुरुआत की लड़ाई में मैं उसका एक सीधेदार था, गुजरात की परिस्थिति को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। सिर्फ यही है कि हम की लड़ाई जो है शुरुआत जी ने एक अच्छी बात कही, किसानों की बात कही, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली किताब लिखी वो किसानों के लिए स्मॉल होल्डिंग्स इंडिया और आज मैं समझता हूं उसको 100 साल पूरे हो गया। 100 साल पहले उन्होंने जो किसानों की बात कही उसमें एक इंच भी अंतर नहीं आया, जो बात उन्होंने 100 साल कही कि किसानों का जो देश है और इस किसानों के देश देश में किसानों के लिए क्या करना चाहिए उसका जो प्रावधान उन्होंने वो जो 40-50 उससे उन्होंने जो लिखा था मैं समझता हूं कि अगर उसी को ही हम बुनियाद बना के चले तो यहाँ किसान को हम लोग राहत दे सकते हैं और उसी परिस्थिति को अगर हम लोग आगे ले जा रहे हैं उसके लिए मूल्य की जो समस्या है उस मूल्य की समस्या से भी यहाँ की सरकारें किसानों को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका यहाँ पर, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ सभी तमाम बैठे हुए लोग है आज उन्होंने खुली बैठक है, इस खुली बैठक में सब चीजें नहीं कही जा सकती इसलिए छोटी बैठक हो, हमारे मुद्दे क्या हो, साफ आदमी के मुद्दे क्या हो, किस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर लड़े, ऐसा ना हो कि राज्यसभा में दो मोदी खाती है अलग अलग और वही मुद्दा चलेगा तो ऐसी बात ना हो, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं नेशनल सीट से 1990 से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति नहीं, चंद्रशेखर जी के लॉन्ग मार्च था
विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उठा, लेकिन उस बात जो राजनीति है वो मैंने नजदीक से देखी है। दोबारा अगर शरद यादव आगे आते हैं तो उनको जवाब देता हूँ, गुजरात चिता के रखूंगा।